हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 17 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 68 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी छोटा है, लेकिन पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद समझेंगे आगे कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, पहले एक हम सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल जिसका कि रेडियस पहले से गिवेन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसमें एक सेक्टर की बात कर रहा है, तो सेक्टर भी ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर हम इसको एक सेंटर मानते हैं और यहां से एक हम सेक्टर बना लिए। ठीक है, यहां से हम सेक्टर बना लिए और सेंटर का हम नाम देंगे ओ, और ये जो हुआ आर्क ए और बी। ठीक है, ए और बी। कभी भी हम आर्क ड्रॉ करते हैं या फिर हम सेक्टर की बात करें, तो हमको यहां बीच में भी नाम देना जरूरी होता है। क्यों देना जरूरी है? क्योंकि अगर हम ए बी केवल बोलते हैं, यानी कि आर्क की अगर बात करें, आर्क ए बी बोला जाए, तो इससे यह नहीं होगा कि यह मेजर आर्क की बात किया जा रहा है या फिर माइनर आर्क की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम बीच में एक और नाम देते हैं, यहां पर सी दे देंगे और यहां पर डी देंगे। ठीक है, यहां का यूज है नहीं, लेकिन चलिए यहां से ही काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो यह हमारा सेक्टर बन गया। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो हम यहां पर रेडियस की जगह पर 14 सेंटीमीटर कर देंगे। और क्या गिवन है? इस पूरे सेक्टर का पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी क्लोज फिगर जिसका बाउंड्री होता है, पूरे बाउंड्री का लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो इस सेक्टर का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? ये रेडियस और ये रेडियस और उसके साथ साथ ये आर्क का लेंथ, सबको जब हम ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा? पेरीमीटर के बराबर। ठीक है, तो तीन भाग है इसमें, तीन भाग में से दो दिया हुआ, एक नहीं दिया हुआ, और तीनों का सम कितना गिवन है? 68 दिया हुआ है, यानी कि आर्क लेंथ हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को ऐड करेंगे और पूरे का सम, यानी कि पूरे का पेरीमीटर 68 है, उसको हम माइनस कर लेंगे, यानी कि 68 में से इन दोनों का सम को हम माइनस कर लेंगे, तो लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लेंथ ऑफ द आर्क निकालेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पर एंगल तो दिया नहीं है, और सेक्टर के एरिया निकालने के लिए एंगल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीटा बाई 360 होता है, तो वहां पर थीटा क्या होता है? यहां पर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है सेक्टर में, वो हमको रखना पड़ता है, लेकिन यहां पर दिया नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो पहले हम लेंथ ऑफ द आर्क निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। देखिए, अगर हम फिगर खुद से बनाए हैं तो क्या क्या किसको एज्यूम किया है उसको हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे लेट ओ ए सी बी ओ बी द सेक्टर whose perimeter is 68 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एंड रेडियस। ठीक है, यहीं पर हम लिख देते हैं एंड रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम क्या दिया हुआ है? 68 सेंटीमीटर जो है इस सेक्टर का पेरीमीटर, तो यहां पर हम लिख लेंगे गिवन पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है? 68 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या क्या जोड़ के बनेगा? तो दो रेडियस, यानी कि AO प्लस बी ओ, दोनों रेडियस हो गया, उसके साथ साथ प्लस आर्क ए सी बी। ठीक है, यही तीनों आएगा, इन तीनों का ही सम कितना होना चाहिए? 68 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू मालूम है कितना होगा? 14 प्लस 14। ठीक है, प्लस आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 68। अब ये दोनों ऐड होके जब इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 68 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28, और उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होगा, तो ये हो 28, 68 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क है। तो एक्चुअल में अभी तक हम लेंथ ऑफ द आर्क निकाल क्यों रहे थे? अब इसके आगे काम स्टार्ट होगा। ठीक है, समझेंगे ध्यान से। देखिए, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360।
अब से पहले जितना भी हम क्वेश्चन बताए हैं सब में बताए हैं कि इसको ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि बुक में क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360। अब ऐसे देने से क्या होता है कि हम फॉर्मूले को समझ नहीं पाते हैं कि वो डिराइव कैसे हुआ। देखिए अगर अलग अलग लिखे हैं ना तब हमको समझ में आ रहा है कि ये डिराइव कैसे हुआ। एक्चुअल में ये है क्या, एरिया ऑफ द सर्कल, और ये थीटा बाई 360 क्या करता है, ये हमें एक फ्रैक्शन देता है। अब ये फ्रैक्शन जो एंगल से हमको मिल रहा है वही फ्रैक्शन हमको लेंथ ऑफ द आर्क से भी मिल सकता है और एरिया ऑफ द सेक्टर से भी मिल सकता है। ध्यान से समझेंगे, अब जैसे ये थीटा क्या होता है, इस सेक्टर का एंगल, थीटा क्या है इस सेक्टर का एंगल, और 360 क्या है पूरे सर्कल का एंगल, यानी कि एक सर्कल बनने में जितना एंगल होता है वो नीचे रखेंगे और इस सेक्टर का जो एंगल होता है उसको ऊपर रखेंगे। तो इससे हमको एक फ्रैक्शन मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं रेशियो मिलता है। ठीक है, यहां पर फ्रैक्शन की ही बात करेंगे। तो क्या हम इस थीटा के जगह पर ये लेंथ ऑफ द आर्क रखेंगे और 360 के जगह पर हम रखेंगे पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस। जैसे यहां पर पूरे सर्कल का एंगल और यहां पर सेक्टर का एंगल था, वैसे ही यहां पर हम सेक्टर का जो आर्क का लेंथ है, ठीक है आर्क का लेंथ है उसको ऊपर रखेंगे और पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस उसको हम नीचे रखेंगे। ध्यान से देखेंगे वहां पर भी वही बात आएगी। ठीक है, यहां पर हम कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं लेंथ ऑफ द आर्क कितना है 40 है, 40, और नीचे हम क्या रखेंगे पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस, यानी कि क्या हो जाएगा 2πr। तो ये वाला काम हो गया मेरा। अब इसके आगे क्या आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे पाई और पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, रेडियस ये स्क्वायर है और यहां से कट जाएगा, तो हमको यहां से क्या मिला, हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू, ठीक है ये हो जाएगा आर इंटू 40। अगर बुक में देखेंगे तो बुक में यही फॉर्मूला लिखा है 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ, 40 क्या है आर्क लेंथ है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला कोई डिफरेंस नहीं है, यही वाला फॉर्मूला है जिसको हम दूसरे तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो हम यहां पर क्या किए हैं लेंथ ऑफ द आर्क और ये क्या किए हैं पूरा सर्कमफेरेंस लिए हैं, उसके जगह पर अगर आर्क की बात नहीं करता, अगर सेक्टर का एरिया दिया होता तो हम यहां ऊपर सेक्टर का एरिया रखते और नीचे क्या रखते पूरे सर्कल का एरिया रखते। हमारी बात, हमको क्या करना है बस इसके जगह पर कुछ भी करके फ्रैक्शन लाना है। क्लियर, तो ये फॉर्मूला कहां से आया है, समय आ गया, बुक में ये फॉर्मूला दिया है 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। ठीक है, तो इसको हम आगे यहां पर यूज करेंगे। तो इतना जो लिखे हैं उसको पॉज करके नोट करें, उसके बाद हम आगे कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब आगे कैलकुलेशन हम यहां कर रहे हैं। देखिए एक्चुअल में ये हम केवल एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ये केवल एक्सप्लेनेशन है, रफ वर्क मान लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन केवल यहां ही है। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहां हम निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है यहां नाम भी दे देंगे या फिर माइनर सेक्टर भी लिख सकते हैं। तो नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ ए सी बी ओ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। ठीक है, तो ये आर्क ए सी बी हो जाएगा। तो 1/2 रेडियस कितना है 14 है और आर्क लेंथ कितना है 40 है। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28 और 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि यहां पर माइनर सेक्टर की बात कर रहा है, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है ये वाला पार्ट समय, अगर ये समय में आ गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन, यहां पर लेंथ ऑफ द आर्क से हम जैसे कैलकुलेट किए, यहां पर लेंथ ऑफ द आर्क लगाए हैं, वैसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आगे आता है तो उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई दिक्कत होगा आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।